हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं ये वाला मोबाइल कवर। अपने मोबाइल को सेफ़ रखने के लिए मार्केट में क्यों जाया जाए जब घर पे ही इसे आसानी से बना लिया जाए। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। मैंने तो बना के देख लिया है, आप लोग भी बनाइए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाते कैसे लिए और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें ज़्यादा चीज़ कुछ नहीं चाहिए, अपने घर में जो बेकार कपड़े पड़े रहते हैं ना, सिर्फ उसी से बनाना है ये, क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं कपड़ों का क्या करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें चाहिए फोम। तो फोम आसानी से घर में पड़ी रहती है, हमारे जो घर में कपड़े लाते हैं, हम ड्रेसेस लाते हैं उनमें पड़ी रहती है, मैंने उसी का यूज़ किया है। तो ले लिया है मैंने ये फोम। और जो ये हमारा स्केल होता है उसके माप से, या आप अपना मोबाइल रख के भी उसका माप ले सकते हैं। तो मैंने तो मोबाइल से फिर स्केल से मार्क ले लिया है। उसके बाद हमें चाहिए एक अस्तर का कपड़ा और एक और कपड़ा चाहिए बचा हुआ, जो भी आपके पास पड़ा हुआ वो कपड़ा ले लेंगे। उसके ऊपर रख देंगे हम फोम और फिर इसी के बराबर इसके कर देंगे कटिंग। बिल्कुल फोम जैसे हमने कटिंग की है ना, सेम ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। तो चलिए कर लेते हैं इसकी कटिंग। उसके बाद हम ले लेंगे दोबारा से ये अस्तर का कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे हम अपना दोबारा से जो ये फोम लिया है वो रख लेंगे। और फिर हम लेंगे एक और कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो ये पर्पल कलर का कपड़ा ले लिया। ये मेरा मेन फैब्रिक है जो मुझे ऊपर की साइड रखना है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से रखना है। तो चलिए अब इसमें हम कुछ डिज़ाइनिंग कर लेंगे, स्केल ले लेंगे, उसमें लाइनिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने लाइनिंग बना ली है स्केल से, वन वन जितना भी हमारा स्केल आता है ना उसी के बराबर हमें इसमें लाइनिंग देनी है। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें ज़्यादा दें, थोड़ी मतलब कम दें, या ज़्यादा मोटी रखनी है या पतली रखनी है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो अब हम इसको एक बर्फ़ी की शेप होती है ना वो वाली शेप दे देंगे। तो चलिए इतने हम दे लेते हैं और कुछ बातें भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और फिर बेल आइकन ज़रूर दबाना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं मशीन की ओर और इसमें लगा लेते हैं सिलाई। तो जैसे ही मैंने बॉक्स बनाया ना, सबसे पहले हम इन बॉक्स में सब में सिलाई लगा लेंगे और बहुत आसानी से लग जाती है। तो आप लोग देख ही रहोगे कितनी आसानी से लग गई है। इसमें लगा लेंगे हम सारी सिलाई तो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। इजी, ज़्यादा टफ़ नहीं है, आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ये भी बताना, और कमेंट्स ज़रूर करना। एक कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिख देना, आप लोग कान्हा जी से प्यार करते हैं तो राधे राधे तो ज़रूर लिखेंगे, मुझे पता है। तो हम सब ये बॉक्स देखे हमने सभी कम्प्लीट कर लिए हैं। तो उसके बाद जो ये साइड में कपड़ा है ना, हम इसकी कर देंगे कटिंग फिनिशिंग के लिए। तो इसमें कपड़ा नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहीं से हमें ये कपड़ा कट कर देना है। अब हम इधर की साइड से भी पूरा कपड़ा जो है ये कटिंग कर देंगे। तो सब साफ़ करना पड़ेगा क्लीन, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो देखिए इस तरह से फिर अपना मोबाइल लेंगे हम और मोबाइल रख के देख लेंगे कि ये फिट बैठ रहा है या नहीं, मतलब छोटा बड़ा तो नहीं है। तो देखिए मैंने रख के देख लिया है, एकदम फिट आ रहा है इसमें। तो चलिए अब जो हमने ये वाला फैब्रिक लिया है ना, तो इसको भी हम सिलाई कर लेते हैं। नीचे की साइड जो है हम इसमें सिलाई दे देंगे, एक कपड़े को रखेंगे सीधा और जो हमने ये फोम शीट वाली साइड से है ना इसको हम रखेंगे उल्टा, इसमें लगा देंगे एक साइड में सिलाई। अब हम इसको कर लेंगे सीधा। तो देखिए हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद जो कपड़ा ये हमारा नीचे की साइड आ जाएगा, जो मेन फैब्रिक है पर्पल कलर का वो आ जाएगा ऊपर। अब इसमें क्या करना है, दोनों को पकड़ करके कपड़ा और जो फोम शीट है उसमें हम सिलाई दे देंगे। तो हमने इसमें दे दी है सिलाई, क्योंकि कपड़ा थोड़ा, जो फोम शीट है थोड़ी सी थिक है, वो मोटी है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से लग जाएगी। तो हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई दे देंगे। तो चलिए लगा लेते हैं सिलाई। तो हमने उधर भी सिलाई लगा ली है, दोनों साइड हमारे सिलाई लग गई है। उसके बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाता है ना, तो ये वाले फैब्रिक को क्या करना है, इसको हमें दोनों साइड से कर देनी है कटिंग।
हमें बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं छोड़ना है, जितना मतलब हमने मेज़रमेंट लिया है सिर्फ हमें वही रखना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं मैं जैसे इस तरह से कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह से करनी है कटिंग। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है। तो अब हम क्या करना है हमें, आप चाहें तो एक बार और मोबाइल रख के देख लेंगे इसमें इस तरह से जैसे मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल फिट आ रहा है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल फिट आ रहा है। अब हमें मेन काम रह गया इसमें पाइपिंग लगाना। तो हमें पाइपिंग के लिए हमने यही वाला सेम फैब्रिक लिया है क्योंकि आउटलाइन हमें इसी से देनी है। अंदर जो फैब्रिक है हमने यही वाला लगाया है तो हमें आउटलाइन भी लगानी पड़ेंगी। तो जो स्केल लिया है हमने, स्केल के जो मोटी वाली साइड होती है ना चौड़ी वाली, तो उधर की साइड से हमने मतलब एक एक इंची की हमने एक वो पाइपिंग बना ली है और इसकी कटिंग कर लेंगे, उसमें लगा लेंगे सिलाई। तो देखिए पाइपिंग भी लग चुकी है। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली ये मैंने पाइपिंग वाला जो पोर्शन जो मैंने लगा करके दिखाया था वो मुझसे डिलीट हो गया था, तो मैंने सोचा चलो अब वीडियो तो बन ही गई है, इसको ख़राब क्यों करना, मैं इसको डाल देती हूँ। तो उसके लिए सॉरी है, मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊँगी तो उसमें कम्प्लीट करूँगी। तो मेरे से ये डिलीट हो गया था ये वाला। तो अब हम इसमें लगा लेंगे सिलाई। अब दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे उधर से भी। और मैंने इसमें लगा दी है वेलक्रो टेप पकड़ने के लिए। इसमें आप चाहें तो इसमें हुक भी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें एक बटन दे सकते हैं थोड़ी सी इलास्टिक लगा करके। तो मैंने इसमें लगा दिया है ये वेलक्रो टेप लगाई है जिससे कि मोबाइल जब हम रखें वो रुक जाए। तो देखिए वेलक्रो टेप मैंने लगा दी है। अब हम इसमें अपना मोबाइल सेट करके देखेंगे कि बिल्कुल फिट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरा मोबाइल तो इसमें बिल्कुल फिट आ रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। तो मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था जो मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर मैंने जो ये प्रिंटेड कपड़ा लिया है ना, इसके मैचिंग का ही थोड़े इसमें पर्पल टच आ रहा है, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो आप लोग कमेंट्स में बताना कैसा बनाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो को भरपूर प्यार देना, आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मुझे आप लोग पर पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करेंगे और मुझे आगे तक ले जाएंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।